नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पटना की सड़कों पर आज चारों तरफ गंदगी देखने को मिली। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 1 फरवरी से सरकार की तरफ से जो दैनिक सेवा है कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, उसे लेने से मना कर दिया गया और उसके विरोध में जो सफाई कर्मचारी है वो सड़क पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। पटना के डगबंगला चौराहा की बात कर ले या फिर पटना के मोरियल की बात करें या फिर एग्जीबिशन रोड की बात करें, हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद जब इस पर सवाल किया गया पटना के जो मेयर है सीता साहू, उनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। जहाँ तक दैनिक सफाई कर्मी की बात है तो पटना नगर निगम में लगभग 4300 कर्मी दैनिक वेतन भोगी है और लगभग 2300 कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है। जो वार्ड में जैसी जनसंख्या है उसके हिसाब से कर्मी कार्य करते हैं। जहाँ तक कि पटना की सफाई व्यवस्था की बात है तो विगत दो ढाई वर्षों में पटना की सफाई व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। ये बातें पटना निवासी और यहाँ के आने वाले पर्यटक का भी कहना है और जो सुधार करने की ज़रूरत है उसे और भी सुधार किया जाएगा। उसके लिए हमने सरकार से सफाई व्यवस्था एवं अन्य के लिए 800 करोड़ बजट की मांग किए थे, जिसमें आज के अखबार के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम के लिए 408 करोड़ देने की घोषणा किया है। इससे पटना नगर निगम की सफाई व्यवस्था में और निखार आएगा। इससे पहले सरकार द्वारा दिए गए फैसले में वैसे सफाई कर्मी जो लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उसे हम अस्थाई करने में लगे थे। फिर विगत फरवरी 2019 में जो सरकार का आदेश आया उसके बाद हमने आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मी को रखने लगे। इसी स्थिति में जो 3 फरवरी को तिथि दिया गया है उसमें हम लोग लोकायुक्त के सामने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को रखेंगे और उम्मीद है इस पर सफाई कर्मी के हित में फैसला होगा। हम सफाई कर्मी के पक्ष में हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि लोकायुक्त के सामने इस पर फिर से पुनर्विचार हेतु जो तिथि दिया गया है उसमें इस स्थिति को स्पष्ट रूप से रखेंगे और मुझे विश्वास है कि लोकायुक्त ने में हमारी और सफाई कर्मी की जीत होगी। हम सफाई कर्मी के पक्ष में हैं, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से जो आदेश आया है वो भी लोकायुक्त के आदेश के अनुसार निर्णय लिया गया है। तो नज़ारा कुछ ऐसा था कि सड़कों पर कूड़ा कचरा देखने को मिल रहा था और उस कचरे के बीच में सफाई कर्मचारी हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब जो सीता साहू हैं वो उनके समर्थन में उतर आई हैं। सरकार के सामने उन्होंने मांग रखा है, कहा है कि एक बार फिर से विचार करना चाहिए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, क्या सरकार विचार करती है देखने वाली बात होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।